Hey guys, this is me Anu Prajapati and welcome back to my YouTube channel AP Education Hub. So today in this video, we'll discuss about Pride and Prejudice and this is written by Jane Austen. So aaj is video hum discuss karne wale hain Pride and Prejudice novel ke baare mein, jisko likha hai Jane Austen ne. And guys, before this video, I have already uploaded the character list of Pride and Prejudice. जो प्राइड एंड प्रेजुडिस के मेन कैरेक्टर्स हैं या फिर आप लोग कह सकते हैं ऑलमोस्ट मैंने सभी कैरेक्टर्स के जो स्केच हैं उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ एक्सप्लेन किए हैं. सो अगर आप लोगों ने प्राइड एंड प्रेजुडिस की कैरेक्टर लिस्ट वाली वीडियो अब तक नहीं देखी है सो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी. वहां जाकर आप लोग प्राइड एंड प्रेजुडिस की कैरेक्टर लिस्ट वाली वीडियो जरूर देख लें. बिकॉज अगर आप लोगों को कैरेक्टर्स एक बार समझ आ गई तो स्टोरी किस तरीके से डेवलप हो रही है, कौन कैरेक्टर कब आ रहा है, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. सो हम देखते हैं कि इस वीडियो में हम प्राइड एंड प्रेजुडिस के बारे में क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन टू द नॉवेलिस्ट जेन ऑस्टन. जैसा कि हम हमेशा करते हैं, सबसे पहले हम नॉवेलिस्ट जेन ऑस्टन का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे. Then we'll discuss about introduction to the novel Pride and Prejudice. After that we'll discuss about character list. देखो यहाँ पर मैं आप लोगों को character list in the sense सिर्फ उनके name बताऊंगी लेकिन उनकी क्या characteristics है वो मैंने previous video में already explain कर दिया है as I told you. So I'll give the link of that video in the description box. As well as we'll discuss about the plot summary. मैं आपको यहाँ पर डिटेल समरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें दूंगी बट इन दिस वीडियो विल डिस्कस अबाउट द प्लॉट समरी. देखो इसमें 61 चैप्टर्स हैं सो इट इज अ वेरी वास्ट नॉवल बट एट द सेम टाइम इट इज वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो. सो यहाँ पर हम प्लॉट समरी डिस्कस करेंगे देन विल डिस्कस अबाउट द डिटेल्ड समरी जो सिर्फ समरी की ही वीडियो होगी. देन विल डिस्कस अबाउट थीम्स एंड सिम्बल्स. सो गाइस ये सारे टॉपिक्स आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन टू द नॉवेलिस्ट जेन ऑस्टन. So here is the introduction to the novelist Jane Austen. Jane Austen was born on 16th December 1775 at a small village in England. So guys, देखो जो Jane Austen है उनका जन्म हुआ था 16 December 1775 को England के एक छोटे से village में and she was youngest of 7 children. देखो ये 7 भाई बहन थे उनमें से जो Jane Austen थी वो सबसे छोटी थी, सबसे youngest थी. So इसीलिए her life was very peaceful and eventful because she was youngest और जो भी problems face करनी पड़ती है वो हमेशा एल्डर वंस को फेस करनी पड़ती है. सो यंगेस्ट थी अपनी फैमिली में और इसीलिए इनकी जो लाइफ थी वो बहुत पीसफुल और इवेंटफुल रही. शी वेंट टू स्कूल ओनली फॉर अ वाइल, हैड मोस्ट ऑफ हर एजुकेशन फ्रॉम हर फादर. देखो ये कुछ टाइम के लिए स्कूल गई बट इनकी जो मेनली अगर हम एजुकेशन की बात करें तो वो इनके फादर से ही हुई है. इन्होंने अपने फादर से ही काफी सारी चीजें सीखी थी. She learned French, little Italian, satin stitch, etc. So guys, देखो इन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज सीखी, इटालियन लैंग्वेज भी सीखी काफी हद तक और साथ साथ इन्होंने स्टिचिंग भी सीखा, मतलब जो सिलाई बुनाई तरीके की चीजें होती हैं, साटिन स्टिच भी इन्होंने सीखा और भी काफी सारी चीजों में इनके इंटरेस्ट थे. एंड शी स्टार्टेड राइटिंग एट अबाउट द एज ऑफ 20. सो जब ये 20 ईयर्स की थी उसी टाइम के लगभग इन्होंने राइटिंग्स लिखना स्टार्ट कर दिया था. एंड शी डाइड ऑफ कंजप्शन ऑन 18th July 1817. सो बिकॉज ऑफ कंजम्पशन इनकी डेथ हो जाती है 18 July 1817 को एंड शी ब्यूरीड एट विंचेस्टर. एंड शी रॉट 6 नॉवल्स. इन्होंने 6 नॉवल्स लिखी थी. लेट मी टेल यू द नेम्स ऑफ ऑल दो 6 नॉवल्स. सो सबसे पहले तो प्राइड एंड प्रेजुडिस ही है जो कि इन्होंने 1796 में लिखी थी. देन है नॉर्थेंगर एबे, सेंस एंड सेंसिबिलिटी, मैंसफील्ड पार्क, एमा, परसुएशन. और इनकी एक और नॉवल थी लेडी सुसान जो कि कभी पब्लिश ही नहीं हो पाई क्योंकि वो अनफिनिश्ड रह गई थी. सो इनकी 6 नॉवल थी जो कंप्लीट हुई एंड एक लास्ट नॉवल थी जो कि इनकम्प्लीट रह गई थी सो वो कभी पब्लिश हो नहीं पाई. सो इट्स मीन शी रॉट 6 नॉवल्स. सो दिस वॉज इंट्रोडक्शन टू द नॉवेलिस्ट. नाउ विल डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन टू द नॉवल प्राइड एंड प्रेजुडिस. सो गाइज हियर इज इंट्रोडक्शन टू द नॉवल प्राइड एंड प्रेजुडिस एंड डोंट फोकस ऑन द प्रोनाउंसिएशन बिकॉज कुछ लोग बोलते हैं प्राइड एंड प्रेजुडाइज, कुछ बोलते हैं प्राइड एंड प्रेजुडिस. सो गाइज जेन ऑस्टन्स फर्स्ट नॉवल. सो प्राइड एंड प्रेजुडिस जो थी जेन ऑस्टन की फर्स्ट नॉवल थी एंड इट इज स्टिल कंसिडर्ड एज वन ऑफ हर बेस्ट नॉवल. देखो इन्होंने 6 नॉवल्स लिखी एज आई टोल्ड यू इनिशियली और उन 6 में से जो प्राइड एंड प्रेजुडिस थी वो इनकी फर्स्ट नॉवल थी एंड इट इज स्टिल कंसिडर्ड एज वन ऑफ हर बेस्ट नॉवल. एंड शी बिगेन राइटिंग इट इन द विंटर्स ऑफ 1796 एंड फिनिश्ड इन ऑगस्ट 1797. सो जो जेन ऑस्टन थी उन्होंने इसको लिखना स्टार्ट किया था विंटर्स 1796 में और ये फिनिश हो गई थी अगस्त 1797 में. मतलब 8 to 10 मंथ्स का इन्हें अप्रॉक्स टाइम लगा होगा बट फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1813, 4 ईयर्स बिफोर हर डेथ. गाइस देखो ये मतलब इन्होंने कंप्लीट कर ली थी 1797 में, ठीक है, बट इसको कोई पब्लिश करने के लिए तैयार ही नहीं था, इन्हें पब्लिशर्स ही नहीं मिल रहे थे. बट
इट वॉज फर्स्ट पब्लिश इन 1813, लेकिन ये फिर 1813 में सबसे पहले पब्लिश हुई, सबसे पहली बार पब्लिश हुई 1813 में, जेन ऑस्टन की डेथ के 4 साल पहले। एंड इसका जो ओरिजिनल टाइटल था वो था फर्स्ट इम्प्रेशन, ठीक है, ओरिजिनल टाइटल वॉज फर्स्ट इम्प्रेशन, बट 16 ईयर लेटर पब्लिश्ड अंडर द टाइटल प्राइड एंड प्रेजिडिस। सो गाइस इसका ओरिजिनल टाइटल था फर्स्ट इम्प्रेशन, और जब 16 ईयर्स बाद ये दोबारा पब्लिश हुई तब इसका टाइटल रखा गया प्राइड एंड प्रेजिडिस। इट वॉज अ रोमांटिक नॉवल, ऐसी ये रोमांटिक नॉवल है, बहुत इंटरेस्टिंग नॉवल भी है। एंड पॉइंट ऑफ व्यू इज थर्ड पर्सन ऑमनिसिएंट, जो इसका पॉइंट ऑफ व्यू है वो थर्ड पर्सन ऑमनिसिएंट के थ्रू नरेटिंग है, एंड देयर आर 61 चैप्टर्स। सो इस नॉवल के अंदर टोटल 61 चैप्टर्स हैं, जब आप पढ़ोगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि 61 चैप्टर्स है, इतने ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये। सो आई सजेस्ट यू कि आप लोग इसे ज़रूर पढ़ें, इफ़ यू गॉट टाइम तो पूरा पढ़ने की कोशिश करें। सो दिस वॉज द इंट्रोडक्शन टू द नॉवल, नाउ विल डिस्कस अबाउट लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स। सो फर्स्ट कैरेक्टर इज मिस्टर बैनेट, हु इज द हेड ऑफ बैनेट फैमिली, देन मिसेस बैनेट, वाइफ ऑफ मिस्टर बैनेट, एंड दे हैड 5 डॉटर्स। इनकी 5 बेटियाँ होती हैं, सबसे बड़ी बेटी होती है जेन बैनेट, उससे छोटी होती है एलिजाबेथ बैनेट हु इज द हीरोइन ऑफ दिस नॉवल, देन मैरी बैनेट जो इनकी 3rd बेटी होती है, देन कैथरीन बैनेट जिसका नाम किटी भी होता है, देन लीडिया बैनेट। लीडिया बैनेट सबसे छोटी होती है और सबसे पहले शादी यही कर लेती है। देन फिट्ज विलियम डार्सी जो है वो थोड़ा प्राउड होता है, मतलब थोड़ा एटीट्यूड वाला होता है, बट उसे एलिजाबेथ से एट लास्ट प्यार हो जाता है। देन जॉर्जियाना डार्सी जो है फिट्ज विलियम डार्सी की बहन होती है। देन कॉलोनल फिट्ज विलियम है वो डार्सी का कजन होता है। देन चार्ल्स बिंगले जो है उसे जेन से प्यार हो जाता है और वो फिट्ज विलियम डार्सी का फ्रेंड भी होता है। देखो आप लोग इन कैरेक्टर्स को ना जो प्रीवियस वीडियोस में अच्छे से समझ पाओगे। देन कैरोलिन बिंगले जो है वो चार्ल्स बिंगले की बहन होती है। देन मिस्टर एंड मिसेस हर्स्ट, जॉर्ज विकहैम हु इज वेरी क्लेवर काइंड ऑफ कैरेक्टर। देन लेडी कैथरीन डी बर्ग, जो लेडी कैथरीन डी बर्ग होती है ये फिट्ज विलियम डार्सी की रिलेटिव होती है, और जो मिस्टर कॉलिन्स होता है उसकी पेट्रॉन होती है। देन मिस डी बर्ग, लेडी कैथरीन डी बर्ग की बेटी। मिस्टर कॉलिंस जो है वो मिस्टर बैनेट का कजन होता है, और देखो मिस्टर बैनेट के कोई भी सन नहीं है, इट्स मीन ये अगर मिस्टर बैनेट की कभी डेथ हो जाती है तो जो मिस्टर कॉलिंस है वो उनकी प्रॉपर्टी का लीगल हायर बन जाएगा। देन शार्लट ल्यूकस इज द फ्रेंड ऑफ एलिजाबेथ बैनेट, वो एलिजाबेथ बैनेट की फ्रेंड होती है और ये मिस्टर कॉलिंस से शादी कर लेती है। देखो उसमें उसको कॉलिंस में इंटरेस्ट नहीं होता है, वो सिर्फ इसलिए करते हैं कि उसका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। देन विलियम ल्यूकस एंड लेडी ल्यूकस, पेरेंट्स ऑफ शार्लेट ल्यूकस, मिस्टर एंड मिसेस गार्डिनर, ये आपको उस वीडियो में पता लगेगा, मिसेस फिलिप्स भी पता लग जाएगा, मिसेस बैनेट जो होती हैं उसकी रिलेटिव होती हैं ये भी। देन कॉलोनल फॉर्स्टर एंड मिसेस फॉर्स्टर, इनका जब विकहैम भाग जाता है लीडिया को लेकर तब भी इनका रोल आता है। सो दीज आर दी कैरेक्टर्स, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दीज कैरेक्टर्स इन द प्रीवियस वीडियो। सो नाउ विल डिस्कस अबाउट दिस समरी, एंड गाइस समरी को ध्यान से समझने की कोशिश करना, बिकॉज एज यू नो समरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, अगर आप नॉवल समझना चाहते हो तो भी। सो हियर इज द समरी, बैनेट्स लिव इन लॉन्गबर्न नियर नीदरफील्ड पार्क। सो गाइज देखो ये जो समरी है, ये जो स्टोरी है, नॉवल है, किस तरीके से स्टार्ट होती है, ये स्टार्ट होती है बैनेट्स के साथ, ठीक है। बैनेट हमने देखा मिस्टर बैनेट, मिसेस बैनेट, उनकी 5 बेटियाँ। सो ये जो बैनेट है ये रहते हैं लॉन्गबर्न में, ठीक है, लॉन्गबर्न इज अ प्लेस इन इंग्लैंड, ये लॉन्गबर्न में रहते हैं, और इन्हीं के पास एक बहुत अच्छा एस्टेट है नीदरफील्ड पार्क, ठीक है। सो नीदरफील्ड पार्क है जो बहुत अच्छा एस्टेट है, एंड मिस्टर बिंगले अराइव्स टू द एस्टेट ऑफ नीदरफील्ड पार्क। सो नीदरफील्ड पार्क में आकर कौन रहने लग जाता है, मिस्टर बिंगले, हु इज अ वेल्दी, मतलब बहुत वेल्दी होता है, एट द सेम टाइम हैंडसम ऑल्सो। सो जो मिसेस बैनेट है, देखो उसकी 5 बेटियाँ अनमैरिड हैं, सो अब एक माँ को तो हमेशा चिंता होती है कि मेरी बेटी की अच्छे से लड़के से शादी हो जाए। सो मिस्टर बिंगले हैंडसम भी और वेल्दी भी है, सो ये आकर रहने लग गया है नीदरफील्ड पार्क में। सो गॉसिप अबाउट इट इन द विलेज, तो देखो एक अच्छा सा लड़का आकर रहने लग गया है नियर बाय, तो गॉसिप तो होंगी। सो गॉसिप होने लग जाती है लॉन्गबर्न के पूरे विलेज में, ग्रेट स्टर, ठीक है, हर तरफ मिस्टर बिंगले की बात होती है पूरे लॉन्गबर्न विलेज में कि हाँ नीदरफील्ड पार्क में एक बहुत अच्छा हैंडसम वेल्दी मैन आकर रहने लग गया है। सो हर कोई सोचता है कि मतलब जितनी भी वहाँ की लेडीज होती है स्पेशली द थॉट कि
हमारी बेटियों की शादी हो जाए उससे. सो मिसेस बेनेट्स वांट्स वन ऑफ आवर डॉटर्स टू मैरी मिस्टर बिंगले. सो देखो मिसेस बेनेट चाहती हैं कि मेरी कोई भी बेटी, उसे ये नहीं है कि बड़ी की हो छोटी की हो, डजंट मैटर, वो चाहती है कि मेरी किसी एक बेटी की शादी मिस्टर बिंगले से हो जाए कि एटलीस्ट मेरी एक बेटी तो सेटल हो. सो इनके यहाँ पर एक बॉल होता है, बॉल जो है मतलब एक ओकेजन टाइप होता है कि ये जाते हैं इंजॉय करने क्लब टाइप. सो दे गो टू अ बॉल, बिंगले मीट्स जेन एंड ही फॉल्स फॉर हर. सो जब ये बॉल में जाते हैं सो वहाँ पर जो ये बैनेट्स होते हैं ये मिलते हैं बिंगले से. सो जो मिस्टर बिंगले होता है वो जेन से मिलता है, सबसे बड़ी वाली जो लड़की होती है बैनेट्स की. सो जेन से जब वो मिलता है ही फॉल्स फॉर हर, कहीं ना कहीं उसे जेन से अटैचमेंट हो जाती है. ठीक है, सो यहाँ पर मिस्टर बिंगले और जेन बैनेट को मतलब एक दूसरे के लिए थोड़ा थोड़ा जो अंदर से इमोशंस है वो आने लग गए हैं. दे फॉल्स फॉर ईच अदर, उन्हें एक दूसरे से समहाउ अट्रैक्शन हो गया. बट हिज फ्रेंड डार्सी इज प्राउड एंड रूड टू एलिजाबेथ. देखो जब ये जाते हैं बॉल में तो वहां पर डार्सी भी होता है मिस्टर बिंगले का फ्रेंड, और जेन बेनेट की बहन एलिजाबेथ भी होती है. सो डार्सी जो है वो थोड़ा प्राउड होता है, एरोगेंट सा होता है इनिशियली, वो थोड़ा घमंडी टाइप होता है और वो एलिजाबेथ से बड़ा रूडली बात करते हैं. सो ये खत्म हो जाता है सीन. थ्रू नेक्स्ट फ्यू सोशल गैदरिंग्स बिंगले एंड जेन ग्रो क्लोजर. देखो जब मैं आपको डिटेल समरी एक्सप्लेन करूंगी ना तो आपको एक एक सीन में एक्सप्लेन करूंगी कब कहाँ ये जाते हैं. यहाँ पर मैं आपको प्लॉट समरी समझा रही हूँ, ये समझ लोगे तो वो समझने में आपको आसानी होगी. सो देखो थ्रू नेक्स्ट फ्यू सोशल गैदरिंग्स बिंगले और जेन जो होते हैं वो एक दूसरे के थोड़ा और क्लोज आ जाते हैं. इट्स मीन ये बॉल में जाते ही रहते हैं थोड़े थोड़े टाइम बाद. सो आने वाले टाइम में जो भी सोशल गैदरिंग्स होती हैं बिंगले जेन एक दूसरे से मिलते हैं और ये एक दूसरे से बातें करते हैं, एक दूसरे को जानते हैं. सो थोड़ा क्लोज आ जाते हैं. सो डार्सी डिस्पाइट हिमसेल्फ फाइंड्स हिमसेल्फ बिकमिंग अट्रैक्टेड टू एलिजाबेथ. सो देखो जो डार्सी है वो नहीं चाहता एलिजाबेथ के क्लोज होना, मतलब वो एलिजाबेथ के बारे में सोचना चाहता ही नहीं है. बट डिस्पाइट हिमसेल्फ वो फिर भी ये पाता है कि वो कहीं ना कहीं एलिजाबेथ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, मतलब वो नहीं चाहता है, उसका दिमाग कह रहा है कि नहीं, बट उसका दिल कहीं ना कहीं एलिजाबेथ की तरफ भाग रहा है, उसके पीछे भाग रहा है. सो व्हेन जेन विजिट्स टू बिंगले कॉट इन द रेन. सो देखो गाइस जब जेन जो होती है बिंगले से मिलने जाती है एक दिन उसके नीदरफील्ड पार्क में, वो पड़ जाती है बीमार. सो मस्ट स्टे एट नीदरफील्ड. सो गाइज देखो जब ये एक दूसरे के थोड़ा क्लोज आ गए उसके बाद क्या हुआ ना, जेन को एक दिन मन होता है बिंगले से मिलने का. सो जेन जाती है बिंगले से मिलने के लिए और बाहर होती हो रही है बारिश. सो उसके बावजूद जो जेन होती है वो बिंगले से मिलने जाती है और मतलब वो बारिश में भीग जाती है तो वो बीमार हो जाती है. सो वो इतनी बीमार हो जाती है कि उसे नीदरफील्ड पार्क में ही रहना पड़ता है बिकॉज बिंगले कहता है कि उसकी बहुत तबीयत खराब है और वो उसे जाने नहीं देगा ऐसे तबीयत खराब में. सो इसीलिए जो जेन है उसे नीदरफील्ड पार्क में बिंगले के घर में ही रहना पड़ता है. देन एलिजाबेथ कम्स टू नीदरफील्ड टू टेक केयर ऑफ हर सिस्टर. सो इसीलिए जो मिसेस बेनेट होती हैं वो कहती है एलिजाबेथ को कि तुम जाओ नीदरफील्ड पार्क में जेन का ध्यान रखने के लिए, हमारे यहाँ से भी तो कोई चाहिए वहाँ पर. सो इसीलिए एलिजाबेथ चली जाती है नीदरफील्ड पार्क अपनी बहन का ध्यान रखने के लिए. सो गाइस जब एलिजाबेथ चली जाती है नीदरफील्ड पार्क सो बिंगले सिस्टर आर रूड टू एलिजाबेथ बिकॉज क्यों होती हैं. देखो जो बिंगले सिस्टर होती है, दो बहनें होती है बिंगले की, एक मैरिड होती है और एक अनमैरिड होती है हु इज कैरोलिन बिंगले. सो ये जो दोनों बहनें होती हैं एलिजाबेथ से बहुत रूडली बिहेव करती है और ये ऐसा क्यों करती है बिकॉज देखो जो कैरोलिन बिंगले होती है वो चाहती है फिट्ज विलियम डार्सी को. ठीक है, वो फिट्ज विलियम डार्सी से शादी करना चाहती है कैरोलिन बिंगले, मतलब बिंगले की छोटी बहन. और एट द सेम टाइम जो डार्सी है वो एलिजाबेथ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है. सो कैरोलिन बिंगले से ये बात बर्दाश्त नहीं होती, उसे जलन होती है एलिजाबेथ से, इसलिए वो बहुत रूड बिहेव करती है. सो डार्सीज अट्रैक्शन डीपन्स, एलिजाबेथ कंसीडर्स हिम अ स्नॉब. सो जब एलिजाबेथ रहती है नीदरफील्ड पार्क तो वहां पर डार्सी भी होता है. सो जो डार्सी होता है अब उसके चारों तरफ एलिजाबेथ दिखती है उसे. सो डार्सी का जो अट्रैक्शन है एलिजाबेथ की तरफ वो कहीं ना कहीं और ज्यादा बढ़ जाता है. बट एट द सेम टाइम जो एलिजाबेथ होती है उसे डार्सी और भी ज्यादा बुरा लगने लग जाता है. एंड जब जेन की तबीयत ठीक हो जाती है सो दे रिटर्न बैक टू लॉन्गबर्न. और जब वो अपने घर वापस आती हैं तो वो देखती हैं कि मिस्टर कॉलिन्स, अभी मिस्टर कॉलिन्स कौन है, अ क्लर्जी मैन मिस्टर बेनेट्स कजन विजिट्स लॉन्गबर्न इन सर्च ऑफ अ मैरिजिएबल डॉटर. सो मिस्टर कॉलिन्स जो है वो मिस्टर बेनेट का कजन है. एट द सेम टाइम मैंने आपको बताया था अभी कि जो मिस्टर कॉलिन्स है अगर मिस्टर बेनेट की डेथ हो जाती है तो उनका लीगल हार बन जाएगा क्योंकि मिस्टर बेनेट के कोई भी बेटा नहीं है.
सो मिस्टर कॉलिंस यहाँ पर क्यों आया है मिस्टर बेनेट के घर पर? वो मिस्टर बेनेट के घर पर इसलिए आया है ताकि वो एक अच्छी सी लड़की, मतलब इनके जो 5 डॉटर्स हैं उनमें से किसी एक से शादी कर ले। सो इसीलिए मिस्टर कॉलिंस यहाँ पर आया और वो यहाँ पर कुछ दिन के लिए रहता है। सो एट द सेम टाइम जो बेनेट सिस्टर होती है वो मिलती है विकेम से, आर्मी ऑफिसर होता है विकेम, और एलिजाबेथ जो है उसे वो विकेम बहुत अच्छा लगता है, लेकिन विकेम जो है वो अच्छा करेक्टर बिल्कुल भी नहीं है, वो बहुत क्लेवर है। सो देखो कॉलिंस आ गया है, कॉलिंस क्यों आया है कि वो एक अच्छे से लड़की ढूंढकर शादी कर ले। वो यहाँ मतलब मिस्टर बैनेट के घर में रहने लग जाता है, और जब बैनेट सिस्टर होती है उसी टाइम पर वो जाती है कहीं पर, और वो किससे मिलती है? विकेम से। विकेम इज एन आर्मी ऑफिसर, और जो एलिजाबेथ होती है उसे विकेम अच्छा लगता है। सो विकेम इनसाइट्स एलिजाबेथ बाय क्लेमिंग दैट डार्सी रॉन्गड हिम इन द पास्ट। सो एलिजाबेथ विकेम से डार्सी के बारे में कुछ बात करती है कि वो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है ये वो। सो विकेम तो पहले से ही डार्सी को जानता है और उसने डार्सी के साथ बहुत बुरा किया था, जो कि मैं आपको डिटेल्ड समरी में बताऊंगी। सो विकेम जो है एलिजाबेथ को भड़का देता है यहाँ पर, कहता है कि पास्ट में डार्सी ने उसके साथ बहुत बुरा किया, मतलब डार्सी ने विकेम के साथ बहुत बुरा किया, ऐसा कहता है विकेम। सो एलिजाबेथ जब ये सुनती है तो उसे डार्सी पर और ज्यादा गुस्सा आता है, और वो डार्सी के लिए अपने मन में एक प्रिजुडाइज कर लेती है कि हाँ मतलब डार्सी तो बुरा ही है। सो विकेम को यहाँ पर मौका मिल गया एलिजाबेथ को भड़काने का। तो बाय दिस एलिजाबेथ प्रिजुडाइज अगेन डार्सी हार्डन्स। अब जो एलिजाबेथ डार्सी के बारे में सोचती थी कि वो बहुत बुरा है, अब वो और ज्यादा स्ट्रांग हो गया कि हाँ वो सच में ही बुरा है, उसने किया भी है इसके साथ बुरा। सो आफ्टर सम डेज मिसेस बेनेट अनाउंस दैट अ वेडिंग बिटवीन जेन एंड बिंगले इज लाइकली टू सून टेक प्लेस। सो कुछ दिनों बाद ये होते हैं बॉल में, और वहां पर जो मिसेस बेनेट होती है वो अनाउंसमेंट करती है कि उसकी बेटी जेन और मिस्टर बिंगले बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं। तो उसी टाइम पर जो कॉलिंस है वो प्रपोज कर देता है एलिजाबेथ को, बट एलिजाबेथ रिजेक्ट्स, एलिजाबेथ कॉलिंस के प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है, कॉलिंस उनका जो कजन आया है मिस्टर बेनेट का वो। सो एलिजाबेथ को प्रपोज करता है बट एलिजाबेथ मना कर देती है। सो एंगरिंग हर मदर बट प्लीजिंग हर फादर, जब एलिजाबेथ कॉलिंस के प्रपोजल को रिजेक्ट करती है सो उसकी मदर को बहुत गुस्सा आता है, बिकॉज उसकी मदर चाहती है कि उसकी बेटी किसी अच्छे से लड़के को ढूंढकर शादी कर ले, और उन्हें लगता है कि कॉलिंस ठीक है, क्लर्जीमैन है, बट जब वो मना करती है तो उसकी मदर को बहुत गुस्सा आता है, बट उसके फादर जो होते हैं वो कहीं ना कहीं खुश होते हैं कि ठीक है मना कर दिया। देन कॉलिंस प्रपोजेज हर फ्रेंड शार्लेट ल्यूकस। यस देखो अगर तुम नहीं माने तो तुम्हारी फ्रेंड को प्रपोज कर दिया, ये यहाँ पर कर दिया कॉलिंस ने। सो जब कॉलिंस प्रपोज करता है एलिजाबेथ को, एलिजाबेथ रिजेक्ट कर देती है, तो कॉलिंस को बड़ा गुस्सा आता है और वो जाता है और एलिजाबेथ की फ्रेंड शार्लेट ल्यूकस को प्रपोज कर देता है। एंड शार्लेट ल्यूकस एक्सेप्ट्स अ डिजायर फॉर सिक्योरिटी रादर देन अ नीड ऑफ लव। उसे प्यार व्यार नहीं होता है, ठीक है, कॉलिंस से उसे प्यार नहीं होता है, वो सिर्फ इसलिए करती है कि ठीक है मेरा फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। सो एलिजाबेथ की फ्रेंड थी शार्लेट ल्यूकस, जब शार्लेट एक्सेप्ट कर लेती है कॉलिंस का प्रपोजल तो एलिजाबेथ को बड़ा बुरा भी लगता है, गुस्सा भी आता है, बट एट द सेम टाइम दे आर फ्रेंड तो मतलब इतना माइंड नहीं करती है। सो कॉलिंस प्रपोज कर देता है शार्लेट को एंड शार्लेट एक्सेप्टेड। सो बिंगले सडनली गोज टू लंदन विदाउट इन्फॉर्मिंग जेन। सो ये सब चल रहा था, सो एक दिन क्या होता है बिंगले को जाना पड़ता है लंदन बिजनेस पर्पज से। सो बिंगले जब लंदन जाता है सो वो जेन को इन्फॉर्म करना भूल जाता है, मतलब वो जेन को इन्फॉर्म किए बिना चला जाता है, और वो अपने सिस्टर कैरोलिन बिंगले को बोलता है कि तुम जेन को इन्फॉर्म कर देना। सो कैरोलिन बहुत क्लेवर है वो भी। सो कैरोलिन इन्फॉर्म्स जेन बाय अ लेटर दैट बिंगले इज नॉट सपोज टू कम बैक एंड इज प्लानिंग टू वेड जॉर्जियाना डार्सी। आग लगा रही है एक तरीके से, है ना। सो कैरोलिन को जब बोलता है ना बिंगले की बोल देना, जेन को बता देना कि मैं अभी बिजनेस पर्पज के लिए जा रहा हूँ और थोड़े टाइम में आ जाऊंगा, बट कैरोलिन लेटर में लिखती है जेन के लिए कि बिंगले इज नॉट सपोज टू कम बैक, बिंगले अब नहीं आएगा वापस, और हो सकता है कि वो जॉर्जियाना डार्सी से वहां पर शादी भी कर ले, वो प्लानिंग कर रहा है इस बारे में। एंड गाइज वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू, देखो जो जेन होती है वो बहुत ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करती अपनी चीजें बिंगले के लिए। सो इसीलिए जो डार्सी होता है उसे डाउट होता है कि जो जेन है वो सच में बिंगले से प्यार करती भी है या नहीं करती है। सो कैरोलिन बिंगले और उसका फ्रेंड फिट्स विलियम डार्सी ये दोनों बिंगले से बात करते हैं, चार्ल्स बिंगले से, कि जेन तुमसे सच में प्यार करती भी है या नहीं करती, क्योंकि उसने ऐसे कभी कोई चीज़ एक्सप्रेस कही नहीं है। सो इसलिए बिंगले सोचता है कि शायद जेन मुझसे प्यार नहीं करती है, ज़बरदस्ती उसकी माँ मेरी शादी करवा रही है उससे। सो इस तरीके की चीज़ें इनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। डार्सी भी बोलता है कि हाँ शायद जेन तुमसे प्यार नहीं करती है। सो बिंगले डिसाइडेड कि ठीक है शायद वो नहीं करती होगी मुझसे प्यार, और वो वापस आता भी नहीं है फिर इधर लॉन्ग बर्न में। सो देखो उसके बाद क्या होता है, जेन इज क्रश्ड, जेन टूट जाती है जब उसे कैरोलिन ऐसा लेटर लिखती है।
सो एलिजाबेथ सिक्योर्स दैट कैरोलिन एंड डार्सी आर डेस्परेटली सेपरेटिंग दैम। सो एलिजाबेथ को पक्का यकीन होता है कि कैरोलिन और डार्सी ने ही इन दोनों को अलग किया है, और कहीं ना कहीं सच भी होता है। देखो जब डार्सी अलग करते हैं ना, डार्सी का जो पर्सपेक्टिव होता है वो ये होता है कि शायद जेन उससे प्यार नहीं करते, क्योंकि जेन ने एक्सप्रेस नहीं किया अपना प्यार कभी इतना ज्यादा। डार्सी का ये होता है, कैरोलिन चाहते कि उसकी बहन शादी ना करे, क्योंकि बिंगले की शादी जेन से हो गई तो एलिजाबेथ इनके घर पर आती रहेगी और कहीं वो डार्सी को ना छीन कर ले जाए, इसीलिए कैरोलिन डरती है। सो मिसेस बैनेट्स ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ मिस्टर एंड मिसेस गार्डिनर इनवाइट्स जेन टू लंडन होपिंग शी विल गेट ओवर सून। सो मिस्टर एंड मिसेस गार्डिनर देखो कौन होते हैं, मिसेस बैनेट के भाई और भाभी, ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ। सो मिस्टर एंड मिसेस गार्डिनर बुलाते हैं जेन को लंदन में कि लंदन भेज दो जेन को, वो शायद जल्दी रिकवर कर जाएगी, जल्दी गेट ओवर कर जाएगी इस चीज से। तो वहां पर चली जाती है जेन भी और एलिजाबेथ भी। सो देयर कैरोलिन स्नब्स हर। सो लंदन में ही तो ये बिंगले वगैरह भी हैं। सो वहां पर कैरोलिन उसे और डांटती है, उसे और मतलब भड़काती है, गुस्सा करती है उसके ऊपर। सो जेन रिग्रेट्स लेटिंग हरसेल्फ फॉल इन लव विद बिंगले। सो जब कैरोलिन स्नब करती है जेन को, सो जेन रिग्रेट करती है कि क्यों ही उसने प्यार किया बिंगले से, क्यों अपने आप को बिंगले के साथ प्यार में डाला। देन एलिजाबेथ विजिट्स शार्लेट ल्यूकस वेयर शी एनकाउंटर्स मिस्टर कॉलिंस पैट्रन एंड डार्सिस रिलेटिव लेडी कैथरीन डी बर्ग। सो एक तरफ तो ये सीन हो जाता है कि जेन को मिलती है कैरोलिन बिंगले, दूसरी तरफ जो एलिजाबेथ होती है वो लंदन में उसकी फ्रेंड है शार्लेट ल्यूकस, सो वो शार्लेट ल्यूकस से मिलने उसके घर चली जाती है। तो जब वो शार्लेट ल्यूकस से मिलने जाती है तो वहां पर मिस्टर कॉलिंस तो है ही, साथ साथ मिस्टर कॉलिंस की जो पैट्रॉन है लेडी कैथरीन डी बर्ग, वो मिस्टर कॉलिंस की तो पैट्रॉन है और डार्सी की रिलेटिव है, वहां पर लेडी कैथरीन डी बर्ग से भी मिलती है एलिजाबेथ। सो वहीं पर आ जाता है डार्सी। सो जैसे ही डार्सी आता है एलिजाबेथ तो पूरा सरप्राइज हो जाती है, और जो डार्सी है वो उसको मतलब बाहर आते आते उसको ज्वाइन करता है, ज्वाइनिंग हर फॉर लॉन्ग इंटीमेट वॉक्स, ठीक है, उसके साथ आते आते वॉक करता है। सो जब डार्सी इसके साथ चलते चलते आ रहा है तो एलिजाबेथ को बहुत गुस्सा आता है, शी ग्रोज एंग्री। और जब इसे ये भी पता लग जाता है कि डार्सी ने ही एडवाइस किया था बिंगले को कि जेन से शादी मत करो, तो इसका गुस्सा और बढ़ जाता है। देखो एक तो डार्सी इतना ज्यादा रूडली बिहेव कर रहा था उसके साथ बॉल में, दूसरा उसने विकेम के साथ इतना बुरा किया, और तीसरा उसे पता लग गया है कि हाँ डार्सी ने ही मना किया था बिंगले को शादी करने के लिए, तो उसका गुस्सा और भड़क जाता है। एंड देन ये चलते चलते आ रहे हैं, एलिजाबेथ अपने गुस्से को कंट्रोल करे जा रही है एंड डार्सी अनाउंसेस हिज लव फॉर एलिजाबेथ एंड प्रपोजेस हर। एक तो एलिजाबेथ इतने ज्यादा गुस्से में है और डार्सी वहां पर एलिजाबेथ को प्रपोज कर देता है। सो क्या होना था, एलिजाबेथ को मना ही करना है, एलिजाबेथ डिक्लाइंस और उस पर भड़क जाती है, अक्यूजिंग हिम ऑफ रूइनिंग जेन्स मैरिज एंड मिसट्रीटिंग विकेम। और जब मना करती है तो वो उसको सब सुना देती है कि तुमने मेरी बहन की शादी तोड़वा दी, उसका रिश्ता तोड़वा दिया, विकेम के साथ इतना बुरा किया पास्ट में, ये सारी चीज़ें वो सुना देती है डार्सी को। सो वहाँ से चली जाती है। डार्सी भी उस टाइम पर कुछ नहीं कहता है क्योंकि एलिजाबेथ बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। सो थ्रू अ लेटर डार्सी एक्सप्लेन्स दैट ही इंटरवीन बिकॉज ही फेल्ट दैट जेन डिड नॉट ट्रूली लव बिंगले। सो देखो वहां पर एलिजाबेथ इसे सुनाकर चली गई है, उस टाइम पर डार्सी कुछ भी नहीं कहते क्योंकि एलिजाबेथ बहुत गुस्से में होती है, लेकिन जब एलिजाबेथ चली जाती है तो डार्सी एक लेटर के थ्रू एक्सप्लेन करता है एलिजाबेथ को, मतलब डार्सी एक लेटर लिखता है एलिजाबेथ के लिए और उस लेटर के थ्रू एक्सप्लेन करता है कि मैंने बिंगले और जेन वाले मैटर में इसलिए इंटरफेयर किया, इसलिए इंटरवीन किया बिकॉज आई फेल्ट कि जो जेन है वो बिंगले से सच में प्यार नहीं करती है, क्योंकि उसने ऐसेच कोई चीज कभी एक्सप्रेस की ही नहीं, एंड विकेम इज अ लायर स्काउंड्रल। और विकेम जो है वो तो लायर है, उसने बहुत बुरा किया था, मतलब जो विकेम है उसने डार्सी की बहन जॉर्जियाना डार्सी के साथ कुछ गलत करने की भी कोशिश की थी। सो वो सारी चीज़ें डिटेल समरी में हम देखेंगे। सो ये लेटर के थ्रू डार्सी एक्सप्लेन करता है एलिजाबेथ को। एट दैट टाइम उस टाइम पर फील होता है एलिजाबेथ को कि उसने डार्सी को मिसजज कर लिया है ना, प्रेजडाइज बना रखा था। सो एट दैट टाइम एलिजाबेथ फील्स दैट ही मिसजज्ड डार्सी। रिटर्निंग होम शी फाइंड्स दैट लीडिया हैज बिकम स्मिटन विद विकेम। सो अब जो एलिजाबेथ है वो लंदन से आ जाती है वापस लॉन्गबर्न, और जब वो घर आती है तो उसे पता लगता है कि जो लीडिया है वो विकेम के साथ प्यार में पड़ चुकी है, लीडिया और विकेम एक दूसरे से रिलेशनशिप में है। एलिजाबेथ अर्जेस हर फादर टू इंटरवीन बट ही डज नथिंग। देखो जो एलिजाबेथ के फादर है मिस्टर बैनेट, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है अपनी बेटियों के रिश्ते से, शादी हो रही है नहीं हो रही है, ही डिडंट बॉदर, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। सो एलिजाबेथ अपने फादर को बोलते हैं आप कुछ इंटरवीन करो बिकॉज विकेम इज नॉट अ गुड पर्सन, वो अच्छा आदमी नहीं है, बट उसके फादर कुछ करते ही नहीं है।
सो उसके बाद जो गार्डिनर होते हैं वो आते हैं इनके घर लॉन्गबर्न में, और जो एलिजाबेथ होती है वो गार्डिनर के साथ दोबारा चली जाती है लंदन। ठीक है, ड्यूरिंग ट्रिप्स शी विजिट्स पैम्बरले डार्सीज मैग्निफिशियंट्स एस्टेट। सो देखो इस बार जब एलिजाबेथ जाती है लंदन, सो वो घूम कर आती है पैम्बरले। देखो गाइस पैम्बरले याद रखना, पैम्बरले है डार्सी का मैग्निफिशियंट एस्टेट, डार्सी का घर है, बहुत ही ज्यादा सुंदर है। मैग्निफिशियंट एडजेक्टिव से ही समझ आ रहा होगा कि कितना ज्यादा सुंदर है वो। सो इस बार जब एलिजाबेथ लंदन जाती है, सो वो घूम कर आती है पैम्बरले डार्सी के एस्टेट में, एंड शी फैंटसाइजेस अबाउट बींग हिज वाइफ देयर। और वो ख्यालों में खो जाती है कि वो डार्सी की वाइफ बनेगी तो उसकी तो ऐश है, और मतलब ये सारी चीजें। एंड डार्सी इम्प्रेस्ड हर बाय इंट्रोड्यूसिंग हर टू हिज सिस्टर जियॉर्जियाना डार्सी। सो इस बार जब जाती है एलिजाबेथ घूमने के लिए लंदन, तो वो पैम्बरले चली गई है, और जब वो पैम्बरले जाती है सो डार्सी एलिजाबेथ को, और एक तो देखो एलिजाबेथ उसके घर को देखकर ही इम्प्रेस हो चुकी है, दूसरा डार्सी उसे किस तरीके से इम्प्रेस करता है जब वो एलिजाबेथ को अपनी बहन जॉर्जियाना डार्सी से इंट्रोड्यूस कराता है, कि मतलब उसके घर गई है एलिजाबेथ एंड डार्सी अपनी बहन जॉर्जियाना डार्सी से एलिजाबेथ को इंट्रोड्यूस करा रहा है। सो एलिजाबेथ और भी ज्यादा इस चीज से इम्प्रेस हो जाती है, एंड बिंगले ऑल्सो अराइव्स देयर, और वहीं पर आ जाता है बिंगले एंड रिवील्स ही इज स्टिल इन लव विद जेन। और वो कहता है कि वो अब भी जेन से प्यार करता है, स्टिल इन लव विद जेन। सो अब स्टोरी थोड़ी अच्छी लग रही है, लास्ट में आकर थोड़ा अच्छा हो रहा है। सो एलिजाबेथ्स ट्रिप इज कट शॉर्ट व्हेन शी रिसीव्स अ लेटर फ्रॉम जेन दैट लीडिया हैज इलॉप्ड विद विकहैम। सो जब मिस्टर एंड मिसेस गार्डिनर गए थे तो जेन तो वहीं चली गई थी वापस लॉन्गबर्न में, अब तो उनके साथ एलिजाबेथ आती है। सो जब एलिजाबेथ आती है यहाँ पर लंदन में, ये सारी चीजें हो रही थी पैम्बरले में, सो एलिजाबेथ को मिलता है जेन का लेटर, और जेन उस लेटर में बताती है कि जो लीडिया है वो विकहैम के साथ भाग गई है। सो एलिजाबेथ को तो पता लग गया था कि जो विकी में वो अच्छा नहीं है। सो एलिजाबेथ फियर्स स्कैंडल दैट विल रियन ऑल द डॉटर्स फ्यूचर। देखो अगर एक बेटी भाग गई, सो ऐसा होता है कि सभी बेटियों का करियर खराब हो जाता है, पड़ोस के लोग बात बनाते हैं, होता है। सो एलिजाबेथ को बहुत डर होता है कि अगर विकी ने कुछ गलत किया सो सभी बेटियों का फ्यूचर खराब हो जाएगा। सो बैनेट सर्च फॉर लीडिया इन लंडन, वो लंडन में भी ढूंढते हैं लीडिया को, एंड मिस्टर गार्डिनर ट्रैक्स दैट विकैम डिमांड्स मनी इन रिटर्निंग फॉर मैरी लीडिया। सो जो मिस्टर गार्डिनर होते हैं उन्हें विकैम मिल भी जाता है, लेकिन जो विकैम होता है वो कहता है मुझे पहले पैसे चाहिए तभी मैं शादी करूंगा लीडिया से। तो देखो यहाँ पे पता लग रहा है कि वो कितना ज्यादा पैसों से प्यार करता है, मतलब उसे हमेशा पैसे चाहिए, इज वेरी क्लेवर। सो इसीलिए गार्डिनर को जब विकैम मिलता है सो वो गार्डिनर को कहता है कि मुझे पैसे दो देन आई विल मैरी लीडिया। सो बैनेट्स अज्यूम दैट गार्डिनर गिव्स डिमांडेड मनी सिंस लीडिया एंड विकैम रिटर्न सून हैप्पी न्यूली वेड्स। सो देखो बैनेट्स को लगता है कि जो पैसे विकेम को दिए हैं वो गार्डिनर ने दिए हैं, तभी बैनेट्स को यही लगता है। अब आ गए हैं लीडिया और विकेम घर पर वापस, न्यूली वेड्स, ठीक है। सो मिसेस बैनेट इज हैप्पी दैट एटलीस्ट वन ऑफ हर डॉटर इज मैरिड, कि कम से कम उसकी एक बेटी की तो शादी हुई। चलो मिसेस बैनेट को बड़ा सुकून मिलता है कि कम से कम मेरी एक बेटी की तो शादी हो गई है। एलिजाबेथ कम्स टू नो दैट डार्सी पेड ऑफ द डेब्ट्स नॉट गार्डिनर आउट ऑफ लव फॉर हर। यहाँ पर एलिजाबेथ को पता लगता है कि जो पैसे विकेम को दिए थे वो गार्डिनर्स ने नहीं दिए थे, वो पैसे डार्सी ने दिए थे विकेम को। एक तो डार्सी के साथ विकेम ने पहले ही पास्ट में इतना बुरा कर दिया, उसके बावजूद जो डार्सी है वो पैसे दे रहा है विकेम को बिकॉज वो एलिजाबेथ से प्यार करता है, और एलिजाबेथ की बहन है लीडिया बैनेट, सो इसीलिए डार्सी देता है पैसे। सो एलिजाबेथ इस चीज को जानकर और भी ज्यादा इंप्रेस हो जाती हैं, एंड बिंगली एंड डार्सी रिटर्न्स टू नीदरफील्ड पार्क। सो यहाँ पर हो रहा है बहुत अच्छा, ठीक है। जो चार्ल्स बिंगले हैं और जो फिट्ज विलियम डार्सी है, ये दोनों ही आ जाते हैं नीदरफील्ड पार्क वापस, एंड हियर बिंगले प्रपोजेस जेन अगेन। यहाँ पर आने के बाद जो बिंगले है वो जेन को दोबारा प्रपोज करता है, और जेन तो उससे अभी भी प्यार करती है तो जेन को तो एक्सेप्ट करना ही है। सो वाइल डार्सी गोज टू लंडन ऑन बिजनेस, लेडी कैथरीन डी बर्ग विजिट्स एलिजाबेथ एंड वार्न हर नॉट टू मैरी डार्सी, एलिजाबेथ रिफ्यूजेस टू प्रॉमिस। सो देखो बिंगले और डार्सी दोनों आए नीदरफील्ड पार्क, बिंगले ने प्रपोज कर दिया जेन को, लेकिन उसी टाइम जो डार्सी है उसे लंदन जाना पड़ जाता है बिजनेस के कुछ काम से, और जब वो लंदन जाता है बिजनेस के कुछ काम से तो लेडी कैथरीन डी बर्ग आती है एलिजाबेथ के पास और उसे बोलती है कि तुम डार्सी से शादी नहीं करना। सो एलिजाबेथ कहती है कि मैं प्रॉमिस नहीं कर सकती कि मैं नहीं करूंगी या मैं करूंगी, वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है। लेडी कैथरीन डिबग ऐसा क्यों कहती है कि तुम डार्सी से शादी मत करना, बिकॉज लेडी कैथरीन डिबग चाहती है कि डार्सी शादी करे उसकी बेटी इस डिबग से। सो व्हेन डार्सी कम्स बैक आस्क एलिजा टू मैरी, शी एक्सेप्ट टेलिंग हिम हर प्रेजुडाइस अगेंस्ट हिम हैड मेड हर ब्लाइंड।
सो डार्सी जब आता है लंदन से वापस, सो वो प्रपोज करता है एलिजाबेथ को शादी के लिए। सो एलिजाबेथ तो ऑलरेडी वेट कर रही थी कि डार्सी मुझे प्रपोज करे और मैं हाँ बोलूं। सो एलिजाबेथ को जब डार्सी प्रपोज करता है, सो एलिजाबेथ एक्सेप्ट कर लेती है और कहती है कि तुम्हारे अगेंस्ट मैंने अपने माइंड में ऐसा प्रेजुडाइज बना रखा था कि उसने मुझे ब्लाइंड कर दिया। मैं कुछ तुम्हारे बारे में अच्छा सोच ही नहीं रही थी, बस वो प्रेजुडाइज मेरी आंखों के सामने था, मैं तुम्हारे बारे में अच्छा सोच ही नहीं पा रही थी। सो डार्सी क्या कहता है, दैट हिज प्राइड मेड हिम एक्ट रूडली, कि नहीं मेरा जो प्राइड था ना वो मेरे को रूडली बिहेव करने के लिए मजबूर कर रहा था, मेरे प्राइड के कारण मैं इतना रूडली एक्ट कर रहा था। सो एलिजाबेथ कहती है कि मैं अपने प्रेजुडिस की वजह से तुम्हें नहीं समझ पाई, और डार्सी कहता है कि मेरा प्राइड ऐसा था कि मैं तुम्हें मौका ही नहीं दिया, मतलब मैं रूडली बिहेव कर रहा था। तो यहाँ पर जो टाइटल है प्राइड एंड प्रेजुडिस, उसका सिग्निफिकेंस क्या है वो आपको क्लियर हो गया होगा कि प्राइड एंड प्रेजुडिस क्यों रखा गया टाइटल। क्योंकि हमारे जो हीरो हीरोइन है एलिजाबेथ और डार्सी, उनका प्राइड एंड प्रेजुडिस ही इनके लव में बाधा बना हुआ था। तो बोथ कपल्स मैरिड एंड बेनेट फैमिली रिजॉइसेस इन देयर डॉटर्स हैप्पीनेस। इन बिंगले एलिजाबेथ डार्सी दोनों कपल शादी कर लेते हैं, तो बेनेट फैमिली बहुत खुश होती है और अपनी बेटियों की खुशी में वो शामिल भी होती है। सो दिस वॉज दी हैप्पी एंडिंग ऑफ दिस नॉवल प्राइड एंड प्रेजुडिस। सो इसकी जो डिटेल समरी हम बहुत जल्दी डिस्कस करेंगे, अभी हम डिस्कस कर लेते हैं थीम्स के बारे में। सो हेयर आर द थीम्स। फर्स्ट थीम इज प्राइड। ऑब्वियसली जो डार्सी का प्राइड था उसने उसको इतना ज्यादा रूडली एक्ट करने पर मजबूर कर दिया था। देन प्रेजुडाइज, एलिजाबेथ हमारी जो हीरोइन है उसका प्रेजुडाइज समझने ही नहीं दे रहा था डार्सी को। देन लव, लव तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कैरेक्टर्स में आपको मिल जाएगा, डार्सी वाले में मिल जाएगा, बिंगले वाले में मिल जाएगा, विकेम, कॉलिंस, शार्लेट ल्यूकस की लव से ज़्यादा उन्हें सिक्योरिटी वाला, सो लव भी आपको मिल जाएगा। देन फैमिली, बेनेट फैमिली है, देन शार्लेट ल्यूकस फैमिली है, देन मैरिज, मैरिज इज ऑब्वियसली वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थीम कि उस टाइम पर जो लड़कियां होती थी उनके लिए ये था कि तुम जल्दी से एक अच्छे से घर में शादी करके सेटल हो जाओ। देन क्लास और रेपुटेशन, जो डार्सी था वो इतना ज़्यादा प्राइड और इतना ज़्यादा रूडली एक्ट क्यों करता था, क्योंकि उसे लगता था कि वो बहुत रेपुटेटेड है, उसकी बहुत हाई क्लास है। सो क्लास और रेपुटेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थीम। और भी कुछ थीम्स आपको मिल सकती हैं। एंड इफ यू टॉक अबाउट द सिम्बल, सो सिम्बल इज पैम्बरले, मैग्निफिशेंट एस्टेट। क्या सिम्बलाइज कर रहा है? डार्सी की वेल्थ सिम्बलाइज कर रहा है, डार्सी बहुत ज़्यादा रिच है, राइट? सो गाइज, दिस वॉज द कम्प्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडिस, एंड वेरी सून आई विल अपलोड द कम्प्लीट समरी, जिसमें हम सिर्फ समरी डिस्कस करेंगे, पूरा प्लॉट कैसे डेवलप होता है, बिंगले कहाँ पर जाते हैं, बॉल में कब जाते हैं, बॉल में जाने के बाद क्या इंसिडेंट्स होते हैं, हर चीज हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, एंड आई होप आपको प्राइड एंड प्रेजुडिस जो नॉवल है अच्छे से क्लियर हो गई होगी। सो इसके बाद भी अगर आप लोगों को कोई डाउट है या आप चाहते हैं कि हम किसी और नॉवल या शॉर्ट स्टोरी के बारे में डिस्कस करें, देन यू गाइस कैन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ऑल्सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज एंड व्हाट्सअप। आई विल गिव द लिंक ऑफ ऑल द थ्री इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो गाइस डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑल्सो ऑन माई फेसबुक पेज। एंड आई होप आपको ये प्राइड एंड प्रेजुडिस अच्छे से क्लियर हुई होगी। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसे लगी, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। एंड गाइज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिकॉज वेरी सून आई विल अपलोड द डिटेल्ड समरी ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडिस ऑल्सो। सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।